अस्सलाम वालेकुम मेरे दिया पुत्रों, मेरे बहन भीरावाओ, साढ़े वेखण अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे ते असीं तां अगे बड़े खुश हाँ। अज असीं आईआं लाहौर शहर दे विच अपनी धी पीढ़ी पक्की उजमा दे घर। उत्थे असीं आईआं, इन्हें सानू सद्या है, बड़ी मुहब्बत नाल सद्या है, ते असीं ते घर आ गई हाँ। हुण असीं ते घर बैठियां होईआं ते असीं गल्लां बातां करदियां पईआं। अम्मी जी, उनका नाम पीढ़ी पक्की उजमा नहीं है, उनका नाम स्ट्रांग उजमा है, आपको नाम भी नहीं सीधा यार। हुण माए बुढ़ड़ी सवारी हो गई हैं, मैंने हुण वार नहीं यार ते इंग्लिश दे लफ्ज बोलन लगे हैं, तां पर मैं इन्हें स्ट्रांग नहीं बुलांदी, मैं इन्हें बुलांदी हूँ पीढ़ी पक्की उजमा। सवारी ते हसदी वाली। अच्छा मैं बताती हूँ, आप रहने देना, मैं सारी बात बताती हूँ। हाँ तू दस ला, मैं नहीं दस दी चिबड़ दे मुंगा लिया। प्यारे बहन भाई, हम यहाँ पर आए हुए थे आप ही के पास, यहाँ पर हमने इंटरव्यू दिया है और बहुत अच्छा इंटरव्यू हमारा हो गया है। आप हमारा इंटरव्यू पूरा देखिएगा, आपको हमारी सारी कहानी पता चल जाएगी कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पहुँच गए हैं, और सारा आपको हमने बता दिया है। बिल्कुल एक से एक चीज हमने आपको बता दी है इस इंटरव्यू में। हाँ असी इतने आए हैं इंटरनेशनल देवण वास्ते। देखे ना, बार बार दान निकाल निकाल के हस्ती जा रही है। इस वजह से अम्मी की बातों पे मुझे भी बहुत ज्यादा हस्ती आती है, लेकिन मैं इतना ज्यादा हस्ती नहीं। असी पहली दफा शहर आई हां, असा कदी नहीं लाइटां लूटां वेखियां, टेढ़े बलां कमरे ते ए सम लग्या होया, ठंडा फ्रीजर चलदा होया, साडे पासे ए वजी चीजां नहीं होनियां। तां पार होए साडी पीढ़ी पक्की उजमा हसदी कि ए जा लो कित्थों आ गए, इन्हां नूं कोई ना गल करन आउंदी है ना बात। पुत्तर ग्रां विच इंजी हुंदा है, सानूं गल बात करनी नहीं आती, उत्थे सारी चीजा नहीं होनिया। तां पर आप ही कुछ बोले ना, सारा कुछ अम्मी बोलती जा रही। अम्मी हुण तुसीं थोड़ी देर चुप कर जाओ, आप ही नवीं कोई गल करन दिओ, उहनां नूं वी कोई गल कर सन ते उहनां नूं पता लग सी वीडियो च कीवें बोलीदा है। तुसीं सारी गल्लां आप ही करदे जांदे, उहनां नूं वी कोई बोलण दा मौका ते दिओ। माए पुत्तर उहदा मूंह फदिया होया है, मैनूं की पता बोले। हां मैं उहदे मूंह च मोहर पाई होई कि आप बोलदी रहे गल्लां करेगा। वेखा बकरी तरह हसदी जांदी है, जबड़ करदी जांदी है कि आप ही आप कुछ बोले ना। आप बिल्कुल चुप करके बैठी हुई हैं, आप सिर्फ दान निकालती जा रही हैं, आप ही बोले ना। जी 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 जी, ये मोर फतेजा दोनों आई हैं मेरे पास इंटरव्यू देने, और माशाल्लाह से इनका इंटरव्यू बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। आप इसको मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, और ये बहुत अच्छे हैं दोनों। इनको मैंने बुलाया, और ये एक ही दफा इनको मैंने बुलाया, और ये आ गई है मेरे पास, और यहाँ पर बहुत ज्यादा मैं एंजॉय कर रही हूँ उनकी बातों को। इस वजह से मैं हंसती जा रही हूँ, और आप लोग समझ रहे होंगे ये पागल हो गई, लेकिन मुझे ऐसी बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। इस वजह से मैं हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ, अपने आप को खुश करने की कोशिश करती हूँ। जिंदगी में इतने ज्यादा मसाइल होते हैं, फिर भी अगर इंसान खुश ना हो तो उस चीज का फायदा नहीं होता। इस वजह से मैं खुश रहती हूँ, ऐसे छोटी छोटी बातें सुन के भी दान निकालती रहती हूँ। जो इंटरव्यू है उसको आप मेरे चैनल पे देख सकती हैं, मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसको आप देखें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और लोगों को इनकी कहानी के बारे में मजीद बताएं। असी पुत्र जिंदगी च पहली दफा शहर च आई हां, इस वजह तो सानू ये चीजां दा नहीं पता। तू सानू दसे से तो मुड़ सानू पता लग वई सी, क्यों ना पता लग सी। जी अम्मी का कहने का मतलब ये है कि हम गांव में रहने वाले हैं, वहां पर शाम को 7 बजे ही सारी आवाम सो जाती है, वहां पर शाम को 7 बजे कुत्ता दुर्की जाता है, लेकिन यहाँ तो रात को 2-2 बजे तक भी दुनिया इधर से उधर घूम रही होती है, इतनी लाइटें बल रही होती है, तो फिर बंदा कैसे सोए, इतना शोर होता है। इसमें से यहाँ पर रौनक लगी रहती है, लेकिन वहां पर शाम को 7 बजे कुत्ता दुर्की जाता है। ये हूँ मेरी धी बन गई है पीढ़ी पक्की उजमा, इन्हें साडा बड़ा ख्याल रखा है, सानू इतने बुला के बड़ी साडी खातिर की, चाय दिती सुबह कर खानिया आपकी मोहब्बत की वजह से ही तो मैं यहाँ पर हूँ। अगर आप लोग मोहब्बत नहीं करेंगे तो मैं यहाँ पर, मेरा फायदा ही नहीं है, तभी तो मैं अल्लाह की राह में खर्च कर रही हूँ, और आप लोगों से बातें वगैरह करती हूँ, आप लोगों से मोहब्बत का इजहार करती हूँ, आप लोग मेरे से मोहब्बत करते हैं, मैं आप लोगों से मोहब्बत करती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं, लेकिन फिर भी ना
लोगों से मेरी मोहब्बत नहीं खत्म होती, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि लोगों से मोहब्बत करो। असी पुत्र आज तू 5 साल पहले वीडियो बनावनियां शुरू कीतियां हन ते ओदे असी उतेजा दी नली वगदी होंदी हाई ते ए जेड़ा मेरा पुत्र ए इंदा भी मुंह ओदो छाबे तरह हाई, लेकिन हुण ते गोल्डन पर ला ला के दे मुंह वल हो गए ते साडा ही मुंह वल हो गया। हुण असी बड़ी मेहनत करदे आ, हुण ते असी दंद भी कड़ी ते साडे व्यूज आ जान। हम बहुत ज्यादा वीडियोस बनाया करते थे, हम सुबह से लेकर शाम तक वीडियोस बनाया करते थे, लेकिन हम पे कभी भी व्यूज नहीं आते थे, लेकिन हम फिर भी बनाते रहते थे। हमने हिम्मत नहीं आ रही थी, हम इतनी ज्यादा वीडियोस बनाते थे, हर जगह पे जाते थे, लेकिन फिर भी हमारे व्यूज नहीं आते थे। 10 से 12 व्यू आया करते थे, वो भी हमारे घर वाले को आया करते थे, क्योंकि हमारा टब्बर साइज है, हम घर वाले देख देख के जो हम पैसे कमाते थे हम सारे नेट पे लगा देते थे और व्यूज दे देते थे, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब हम बहुत ज्यादा कामयाब हो गए हैं। अब मैंने घर में आलू वेरा भी लगा लिया है और बहुत ज्यादा तरक्की भी हमने माशाल्लाह कर ली है, इस वजह से हम बहुत ज्यादा खुश हैं। और हमने नई गाड़ी भी ले ली है जिसके पहिए सिर्फ 3 हैं। इनकी नींद परी कहानी है, मैं देख सुनती गई हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ गए क्योंकि मेरा दिल बहुत ज्यादा नरम है। इन ऐसे लोगों की कहानी सुनती हूँ, मेरी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा नाजुक दिल की हूँ, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। ना पुत्र ना रोएडी माड़ी ते मैं गल की कोई नहीं, रोवन वाले बिच गल है ही कोना, तो रो नहीं उंजी तेरे वाल नहीं वेखण, उन्हें तो रोन दी तो ये बिल्कुल ही कोजी लगती। देख सकती हैं अम्मा ने मेरी भी दुर्दुर कर दी है, तो मैं खुद ऐसे तुम्हारे से पूछना चाहूंगी कि अम्मा तुम्हारी भी दुर्दुर करती रहती है सारा दिन या सिर्फ इन्होंने आज मेरी दुर्दुर की है? मुझे तो लगता है ये बहुत गुस्से वाली है। वैसे तो दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन गुस्से वाली मुझे लगती है तुम्हारे भी दुर्दुर मुझे लगता है करती होगी सारा सारा दिन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अम्मा, मेरी भी हर वक्त दुर्दुर करती रहती है, बल्कि जो हमारी पहली वीडियो वायरल हुई थी उसमें भी अम्मा ने मेरी दुर्दुर की थी और वहां से हम ज्यादा वायरल हुए थे। इस वजह से ये तो मेरी नॉर्मल रूटीन हो गई है, तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया कि जब जब मैं दुर्दुर करवाती हूँ तब तभी मैं चलती हूँ। हाँ तेन आप दे आप तो आँदी नहीं, मैं बुढ़ी सवाणी हाँ, सारा दिन काम कर दी हाँ, सुबह साजरे तो लैके शाम तक। ए दो बहन मेरा तो सिर्फ वीडियो बनाने रही है, मैनू तो वीडियो बनानी भी नहीं आती। तू आप दस कर प्रीति पक्की उजमा, ये हैडी वड्डी हो गई है, इन हजे भी रोटियां बनानिया नहीं आनिया, शर्म वाली गल है या नहीं? कोई नहीं होता अम्मी, आ जाएगियाँ वक्त के नाल नाल आप पे हर चीज आ जाती है, इसलिए मम्मी को कहती हूँ कि हर चीज इंसान को थोड़े थोड़े टाइम बाद आ जाती है, आप मेरे पीछे ना पड़ा कर। लेकिन मम्मी फिर भी मेरी दुर्दुर करती रहती है कि तुम्हें रोटियां बनानी भी नहीं आती। ये कोई जरूरी तो नहीं ना जिसको रोटियां बनानी नहीं आती कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। आ जाएगी कदम आ जाएगी, जब मैं मर जावांगी फिर आ जाएगी। तो नाज़रीन ये इंटरव्यू था जो आपने देखा, और थोड़ा बहुत आप मेरे चैनल पर जाके भी देखेंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत गपशप यहाँ पर होगी, थोड़ी बहुत गपशप वहाँ होगी, और इसी तरह से मिल मिला के आपको एक अच्छा सा कंटेंट मिल जाएगा। आप देखिए उसको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप मुझे बताइएगा कि उसमें और किसको दावत दूँ और किन से बात करूँ, आप किन के बारे में जानना चाहते हैं, और आप मुझे जरूर बताएं, मुझे सपोर्ट करें। और ये नीचे नंबर आ रहा है, यहाँ पर आप इमदाद भी भेज सकते हैं। हाँ तो पूरा सारा इंटरनेशनल प्रीति पक्की उजमा के चैनल से देखो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्जी भी करो। तो मुझे मैंने दसिया है अम्मी जी इंटरव्यू होता है इंटरनेशनल नहीं होता, आपको कितनी दफा बताना है एक चीज? तू चुप कर, तू मैंने ना दस डाऊंगे ते मुंह वाले। तू ही मेरी जी जदों की बैठी है, बस दांत दी कटदी पई। अल्लाह तेरे दांत सलामत रखे।